आज मैं आपको दिखाऊंगी आलू तलने का तरीका। ये मैंने आलू काट के मैंने वॉश किया है, ठीक है, और मैंने फ्राई पैन लगाया है। अब मुझे डालना है ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है, थोड़ा गरम होने दें। बिल्कुल ऑयल गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखना है, आलू ब्राउन भी हो गए हैं और अपने हिसाब से काफ़ी पक भी रहे हैं, क्योंकि तब तक मैं कोई मसाला नहीं डालती, क्योंकि मसाला डालूंगी तो आलू की टेस्ट जो है वो जायके वाला नहीं होगा। क्योंकि अगर हम पराठे के साथ खाते हैं, नाश्ते सुबह से नाश्ते में अकेले बनाते हैं, तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ और जायकेदार भी होता है। और ये रेसिपी जो है बिल्कुल आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी पता चले इस चीज़ को अच्छी लगी। अभी ये बिल्कुल ब्राउन भी हो गए और भी काफ़ी पक गए हैं। अभी हमारा मसाला डालने का टाइम हो गया है, शुरू करते हैं मसाला डालना। एक चम्मच जो है नमक डालना है, आलू के हिसाब से डालेंगे। अभी एक अदद जो है, एक चाय की चम्मच जो है हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी तो हमेशा हर चीज़ में डली जाती है। और एक चाय की चम्मच जो है लाल मिर्च डली जाएगी। इसमें सूखी धनिया 2 चम्मच, धनिया जितनी ज़्यादा थोड़ी होती है ना उतना जायकेदार बना देती है, क्योंकि धनिया भी शहर से जो पीसी हुई मिलती है, प्लीज़ वहाँ वो नहीं लें। और आपको चाहिए कि हाथ की धनिया साबित मंगवा के खुद ग्राइंडर करें और बिल्कुल अपने हिसाब से रखें। और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। ये हमारा मसाला कंप्लीट हो गया, हम फिर इसको मिक्स करेंगे। अभी मसाला हमने मिक्स किया है, दो मिनट के लिए हमने मसाला मिक्स करके इसको ढक्कन इधर रखना है, ताकि ये थोड़ा मसाला भी जज़ब हो जाए ऑयल में और मिक्स भी हो जाए। तब तक हम देख वेट करते हैं। बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी मुझे
हरा मसाला खुशबू के लिए डालना है। इसमें मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च और हरी लहसुन, हरे लहसुन सर्दियों में नए नए आलू के साथ और हरी लहसुन डालना बहुत जायकेदार बना देती है चीज़ को। अल्लाह ताला की कुदरत की चीज़ें जो बनी हुई है उसमें जायका ही अपना है। आप खुद ट्राई करके देखना कि आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको मेरे आलू की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर इतलाई दें। अब तक के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। हमारे आलू रेडी हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।